नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी पांचाल। एबीपी 100 टीवी लाइव के समाचार बुलेटिन में आप सभी का मैं एक बार फिर तहे दिल से स्वागत करती हूं। चलिए देश विदेश की तमाम हर बड़ी खबर पर डालते हैं सबसे पहले नजर। खबर बदायूं से, बजीरगंज नगर के मोहल्ला गोपालपुर में भयंकर आग लगी। सूचना पर पहुंचे थाना प्रभारी ने जान की परवाह किए बिना आग पर काबू पाया है। आपको बता दें कि थाना और कस्बा बजीरगंज निवासी फूल सिंह पुत्र भजन लाल की पत्नी गैस पर खाना बना रही थी। खाना बनाते समय गैस लीक होने से पूरे मकान में आग लग गई, जिससे चीख पुकार मचने लगी। हालांकि पड़ोसियों ने भी आग बुझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली और मकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। सूचना पर पहुंचे थाना प्रभारी राकेश कुमार ने मुश्किल जान की परवाह किए बिना घर में घुस गए और सिलेंडर को बाहर खींच कर ले आए। फिर पानी की बौछार से आग पर काबू पाने में कामयाबी हासिल कर ली। हालांकि इस घटना में कोई जनहानि होने की सूचना नहीं है। इस घटनाक्रम में थाना प्रभारी व पुलिस की लोग प्रशंसा करते दिख रहे थे। संवाददाता नाजिर खान की खास रिपोर्ट। बेटा चुप रहा है, देख रहा ले, पकड़ो साहब, हैंड पकड़ो 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 ऐसे चलना, ठंडा हो जान दो पहले, कोट दिमाग आदमी की जरूरत है। ये मारते रहे भाई, यही मारते रहे, यही रख पॉइंट। मकान है।